तो भाई जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम बात करने वाले बॉम्बर जैकेट्स के ऊपर क्योंकि मिंत्रा पे आने वाला बिग फैशन फेस्टिवल सेल जो सात तारीख से शुरू होने वाला है तो पिछले वीडियो में हमने डी जैकेट्स के ऊपर बात किया था और साइज़ गाइड भी बताया था कि कौन सा साइज गाइड परफेक्ट होगा आपके लिए कि आप जब भी ऑर्डर करें आपको एक परफेक्ट साइज आए तो इस वीडियो में सेम हम आपके साथ 10 बॉम्बर जैकेट शेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका साइज गाइड भी बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए किएन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इससे वीडियोज हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेके आते रहते हैं तो क्योंकि बॉम्बर जैकेट हमारे न विंटर का एक काफी मस्ट मस्टअब इसेंशियल होते हैं अगर आप बॉम्बर जैकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना तो एक बॉम्बर जैकेट आपके पूरे विंटर को अच्छे से स्टाइलअप कर सकता है अगर आप हल्के मटेरियल वाले बॉम्बर जैकेट लेंगे स्टार्टिंग विंटर में पहन सकते हैं या जब जाती है तब पहुँच सकते हैं या अगर आप थोड़े से अगर आप पफर टाइप वाले बम्बर जैकेट लेते हैं तो उसको आप विंटर में आराम से यूज कर सकते हैं अदरवाइज नॉर्मल भी आप लेयरिंग करके यूज कर सकते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं काफ़ी सारे टाइप के बम्बर जैकेट्स देन उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसके साइज को भी देखेंगे इस पहले नंबर पर आ जाता है रोडेस्टा की तरफ से ये वाला अपना बम्बर जैकेट आप देख सकते हैं पफर टाइप का है और यहाँ पर अपने को ऊपर से क्लोज़र मिलता है चेन के साथ साथ एक एडिशनल क्लोज़र और मिलता है जो मेटल बटन टाइप के होते हैं और सारे साइजों में अवेलेबल है हमने साइज़ के ऊपर ख़ासा ध्यान दिया कि साइज़ आपको सही मिल जाए और अवेलेबल मिल जाए आठ सौ पचास रुपये इसकी प्राइस होगी अगर आप सेल में कूपन एंड ऑल के साथ लेंगे तो रोडेस्टर की तरफ से तो क्वालिटी इसकी काफ़ी सही होगी नेक्स्ट आ जाएंगे लेदर रिटेल की तरफ से ये जो अपना बॉम्बर जैकेट है लेदर रिटेल काफ़ी एक फेमस है अपने ऑनलाइन में तो यहाँ पे ये जो बॉम्बर जैकेट है ये भी काफ़ी सही होने वाला पफर टाइप का है अपने को चेन मिल रहा है और यहाँ पे कफ्स एंड ऑल सारे अच्छे मिल रहे हैं मटेरियल काफ़ी सही है और कलर भी काफ़ी लोगों को पसंद आएगा नेक्स्ट अगर बात करें ना यहाँ पर साइज़ की तो सारे साइजों में ये भी अवेलेबल है और इन द ऑफर बात करें नौ सौ चौंतीस रुपये इसकी होने वाली है प्राइस तो ये भी एक अच्छा पिक होगा नेक्स्ट आ जाएंगे एच आर एक्स का जो अपना बॉम्बर जैकेट है बारह सौ समथिंग इसकी प्राइस अभी दिखा रही है ओलिव कलर में है और जो इसका डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी सही होने वाला है थोड़ा सा हट के डिजाइन अपने को मिलता है अपने को एक चेन मिल जाता है हमारे बाइसेप्स के ऊपर और एक एडिशनल पैकेट मिल जाता है कलर इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है ओलिव में मिल जाता है और अगर बात करें ना कि इसको सेल में केवल एट सेवेंटी नाइन में हम लोग परचेज कर सकते हैं और साइज की बात करें एस एम एक्सेल और डबल एक्सेल जो मेजर साइज हैं उसमें अवेलेबल है नेक्स्ट आ जाएंगे अगले बॉम्बर जैकेट पर जो है वर्कशार्टी की तरफ से एक जिप फ्रंट कैजुअल बॉम्बर जैकेट है थोड़ी सी इसकी लेंथ छोटी है लेकिन कलर जो है इसका काफ़ी प्यारा मस्टर्ड में है और डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और साइज जो है अपने सारे मेजर साइजों में अवेलेबल है अगर सेल में बात करें ना इसकी प्राइस की वो तो हो जाने वाली है ये तो अपने बेस्ट प्राइस पे है तो आप इसको इतने में ही खरीद सकते हैं या सेल में प्राइसेस जो है ऊपर नीचे और हो सकती हैं नेक्स्ट आ जाएंगे पाँचवें नंबर पर अपना जो है रोडेस्टा की तरफ से एक अगेन पफर जैकेट है और यहाँ पर भी डबल टाइप का क्लोजर मिल जा रहा है आपको मिड विंटर में ऑप्टिमम प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जैकेट चाहिए और आपको थोड़ा सा स्टाइलिश भी बनाए और ऐसा कलर ऐसा हो कि आप कहीं भी उसको यूज़ कर को पाएँ कोई हेजिटेशन ना हो तो ग्यारह के ऑफर प्राइस में ये मिल जाने वाला है अनफॉर्चुनेटली ये अभी साइजों में अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सके तो सेल में ये स्टॉक हो जाए या नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं हमने और भी ऑप्शन आपके लिए रखे हैं तो कहिए थे अपने पाँच अब हम बात करने वाले हैं ना साइज़ गाइड के बारे में तो कहे बॉम्बर जैकेट अगर एक ऐसा आउटफिट स्टेटमेंट है जो पहले पायलट लोग यूज़ करते थे जो वर्ल्ड वार के टाइम वहाँ से इसका नाम बॉम्बर ड्राइव किया गया और सिविलियंस ने इनको अडेप्ट कर लिया स्टाइल के मामले में तो यहाँ पे फिटिंग नहीं इसकी काफ़ी की रोल प्ले करती है तो फिट की बात करें सबसे पहले आ जाएगा ना शोल्डर के ऊपर तो शोल्डर पर हमारा ना ये परफेक्ट फिट होना चाहिए और आम फिट में अच्छे से इन अच्छे से गल्प करना चाहिए अगर आर्म पेट पर लूज़ होगा या ज़्यादा टाइट होगा तो अनकम्फर्टेबल भी हमें फील होगा और ज़्यादा लूज़ होगा तो थोड़ा अच्छा भी नहीं देखेगा नेक्स्ट आ जाएंगे स्लिप्स के ऊपर तो स्लिप्स हमारा जो है बोन है रिस्ट बोन यहाँ तक होना चाहिए और लेंथ जो है हमारे बेल्ट लाइन से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए क्योंकि ये हमें कोजी और कैजुअल लुक देता है तो थोड़ा सा स्पेस अपने को चेस्ट पे मिलना चाहिए जिसके कारण अगर हमें लेयरिंग भी करना है विंटर में तो हम इसको लेयर भी कर पाए इस तरीके से इसकी कुछ फिटिंग डिसाइड होती है आप बात करें कि आपके लिए कौन सा साइज़ फिट होगा तो अगर आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से सोचिए कि अगर आप थोड़ा से चबी हैं हेल्दी हैं या एवरेज आपका मस्कुलर बॉडी है तो आप इसके स्किन फिट वाले एज जो रिलैक्स फिट वाले उनके लिए जा सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो इसके लूज वर्जन ही यानी कि वन साइज अप में जा सकते हैं और हमेशा तीन से चार इंच का बफर कंसिडर करिएगा अगर आप थर्टी एट पहनते हैं कोई भी क्लोदिंग या थर्टी एट आपका चेस्ट है तो आप फोर्टी टू इसका साइज़ लीजिए अगर आप थोड़े से चबी टाइप के हेल्दी हैं तो और नहीं तो आप दोनों के बीच में मतलब अगर आप हमेशा एम पहनते हैं तो एम अगर थर्टी साइज़ है थर्टी एट है तो 38 भी आप ले सकते हैं अगर आप स्किनी है तब अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कर दीजिए मैं आपका हेल्प कर दूंगा और आपके एक वेस्ट साइज़ होगा वो रिकमेंड कर दूंगा तो कहीं ये था अपना साइज गाइड नेक्स्ट आएंगे अब जो अपने अगले बॉम्बर जैकेट हैं उन पर नेक्स्ट जो अपना है रोडेस्टर की तरफ सेवन नाइनटी नाइन प्राइस है सारे साइजों में अवेलेबल है कलर इसके काफ़ी प्यारा है लेकिन मटेरियल जो है आपको काफ़ी केयर से रखना पड़ेगा क्योंकि ये अपने जो नीटिंग से मिलके बना हुआ है तो मे भी हो सके कि अगर आप इसको रफली यूज करें तो थोड़ा ये जल्दी खराब हो जाए सिक्स में आपको मिल जाने वाला है एक ऐसा फैशन स्टेटमेंट ये हो सकता है कि अगर आप केवल बॉम्बर जैकेट को रखना चाहते हैं स्टाइल पर्पज के लिए तो इसको भी एड कर सकते हैं प्राइसेज काफ़ी लो है रोड का नेक्स्ट नेवी ब्लू आ जाता है। काफी लोग बोल रहे थे ब्लैक कलर में चाहिए था तो ये वाला जो हमारे दो जो नीड है उसको पूरा कर देगा ये नेवी ब्लू में और ब्लैक में भी अपना काम आ जाएगा इसकी प्राइस एट थर्टी नाइन है सारे साइजों में अवेलेबल है और सेल में अगर बात करें ना तो सिक्स सिक्सटी एट में अपने को ये मिल जाने वाला है नेक्स्ट आ जाएंगे कैंपस सूत्रा की तरफ से थोड़ा सा अगर स्टाइलिश और डिफरेंट टाइप का बॉम्बर जैकेट लेना चाहते हैं तो ये वाला बॉम्बर जैकेट आपके लिए परफेक्ट होगा ये अगर बॉम्बर जैकेट के डेफिनेशन से तो थोड़ा बाहर है बट यहाँ पे स्टाइल के मामले में बात करें तो पूरे शो नंबर इसको मिल रहे हैं अगर प्राइस की बात करें ना तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो उन्नीस समथिंग है और ये अपने बेस्ट प्राइस पे है और सारे साइजों में अवेलेबल है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें नेक्स्ट आ जाते हैं अगर आपको थोड़ा सा सटल कलर में चाहिए ग्रे कलर है ये बॉम्बर जैकेट रोडेस्टर की तरफ से है ग्रे में अपने को मिल जाने वाला है और मटेरियल जो इसका पोलिस्टर है हमने ऑलरेडी बॉम्बर जैकेट्स के ऊपर रिव्यूज़ काफ़ी किए हैं तब जाके हमारे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं ए, एस को छोड़ के सारे साइजों में अवेलेबल है और प्राइस इसकी थाउजेंड प्लस होने वाली है नेक्स्ट और लास्ट जो अपना बॉम्बर जैकेट है यहाँ पर हमने जो बॉम्बर जैकेट पिकअप किया है ना कि ये थोड़ा सा अगर ऐसा है कि आप समर में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं हाई की तरफ से है और ये कॉटन मटेरियल का बॉम्बर जैकेट है काफ़ी लाइट वेट है तो अगर आप इसको एक ऐड करना चाहते तो ऐसे और भी कॉटन वाले मटेरियल के जो होते हैं बॉम्बर जैकेट उनको आप चेकआउट कर सकते हैं बट उनका पर्पस नहीं था विंटर में सरवाइव करने के लिए तो इसलिए हमने एक ही ऐड किया है बाकी ये भी साइजों में अवेलेबल है और प्राइस की बात करें तो थ्री में सेल में अपने को देखने को मिल जाएगा तो कहीं ये थे अपने बॉम्बर जैकेट्स दस बॉम्बर जैकेट्स आई होप तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया सबका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा कोई कमेंट क्योंकि कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इन्फॉर्म करिए और वीडियो का यहाँ तक देख रहे हैं ना लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्त फैमिली में फ्रेंड के साथ उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए और लगे आप उनकी कितनी केयर करते हो तो कहे आज के इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ तब तक अले सुन अलविदा मसाला चेक कियाव लवली फ्रेंड्स